हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी विद आकाश चैनल फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, फॉर एनी टॉपिक, टेक्निकल इशू, कुछ भी हो, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करो चैनल पर नए हो तो, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को पूरा देखो और बताओ कमेंट में वीडियो आपको कैसी लग रही है, ताकि मैं और भी फर्दर वीडियोज बना सकूं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पिछली वीडियो में बातें कर चुके थे जनरल नेमिंग के बारे में, इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो आईपीएससी नेमिंग क्या होती है और हम लोग उसे कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए आईपीएससी नेमिंग सीखते हैं, ठीक है। तो आईपीएससी नेमिंग में आप सबसे पहले, मैं आपको देखिए, आपको इस चैनल पर हिंदी में सभी ट्रिक्स मिलेंगी, ठीक है। तो जो आपको अंडरस्टैंडेबल होंगी, जो आप आसानी से इजी वे में सीख सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो पूरा और कमेंट में बताओ कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको आईपीएससी नेमिंग के लेक्चर के बारे में, सबसे पहले आपको आईपीएससी नेमिंग के लेक्चर के बारे में थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूं, ताकि आपको आसानी हो, इजी वे में आप समझ सके, ठीक है दोस्तों। तो आपको बताना चाहूंगा, देखिए सामने ये रहा स्क्रीन पे, जिस कार्बन पर फ्री वैलेंसी होती है उसे वन नंबर देते हुए, पहला नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन छांटो। मतलब आईपीएससी नॉमिनक्लेचर करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा दोस्तों, कि जिस कार्बन पर फ्री वैलेंसी है उसे एक नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन छांटो। उसे हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को प्रिंसिपल चेन कहते हैं। तो सभी लोग जल्दी से ये बताओ, लॉन्गेस्ट चेन क्या होती है, कैसे छाटोगे। जिस कार्बन पर फ्री वैलेंसी होती है उसे एक नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन छाटा जाता है, और उसी लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग प्रिंसिपल चेन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर, पहला एग्जांपल, आप मेरी पेन को देखिए कैसे चल रही है दोस्तों। तो ये देखिए, जैसे कि इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन छांटना है। तो लॉन्गेस्ट चेन आपको दिखाई दे रही होगी यार, दूर से दिखाई दे रही है, ये देखो 1 2 3, 1 2 3 4, वाओ। तो 4 कार्बन ज्यादा है, मोर इन नंबर कार्बन, तो ये हमारी होगी सबसे लॉन्गेस्ट चेन, प्रिंसिपल चेन, लॉन्गेस्ट चेन, प्रिंसिपल चेन, और ये आपके क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि सब्स्टिट्यूएंट को जब भी आए, सब्स्टिट्यूएंट को आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको गोले में बंद कर लेंगे और प्रिंसिपल चेन को डॉटेड लाइन से ऐसे आप रेक्टेंगल में ले लेंगे, ठीक है। जो भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे ये गोले में ले लेंगे। इसका फायदा आपको जब आप और भी फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, आप मेरे और फर्दर वीडियोस देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्यों कह रहा हूं, सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा गोले में ले लिया करो, उससे आपका आईपीएससी नॉमिनक्लेचर रॉन्ग नहीं हो सकता। मैं आपको लिखित गारंटी दे सकता हूं इसकी, ठीक है दोस्तों, दे सकता नहीं, मैं देता भी हूं, क्योंकि आप जब सब्स्टिट्यूएंट को गोले में रख लोगे तो आपको सिर्फ नजर आएगी प्रिंसिपल चेन और उससे लगे हुए जो भी हैं ग्रुप्स, जो भी है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग फर्दर देखेंगे। तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को गोले में भरेंगे। तो ये देखिए, आपको प्रिंसिपल चेन छांटनी थी, तो आपको 4 कार्बन की लंबी सबसे लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल चेन मिल गई, ठीक है दोस्तों। सेकंड, इसमें देखो 1 2 3, 1 2 3, इसमें तो 3 ही कार्बन, कहीं से भी जाओ तो 3 ही कार्बन मिल रहे हैं हमें। देखिए, हमेशा प्राइमरी कार्बन से ही, मतलब प्राइमरी कार्बन से ही हमें लंबी चेन छांटनी है, ठीक है। ये देख लो, जिस कार्बन पर फ्री वैलेंसी है उसी कार्बन पे हमें, मतलब उसी कार्बन से शुरुआत करनी है, ये नहीं कि यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कोई ना, जहां पे फ्री वैलेंसी होगी वहीं से शुरू करनी है। देखिए यहां पे फ्री वैलेंसी, यहां पे फ्री वैलेंसी, देखिए यहां से 1 2 3, 1 2 2 ही है, 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 तो कोई भी सा ले लो यार, लॉन्गेस्ट चेन तो 2 ही की मिल ही रही है, तो यही ले लो, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए आपके मिथाइल ग्रुप, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ठीक है। ये देखो फ्री वैलेंसी यहां से है 1 2 1 2, तो कोई भी ले लो, ये ले लो प्रिंसिपल चेन, कोई भी प्रिंसिपल चेन ले लो, सब्स्टिट्यूएंट को गोले में बंद कर दो, ठीक है। इसका नाम हो गया 1 मिथाइल, और ये देखो इसमें भी 2 ही कार्बन थे, कोई भी ले लो, तो 2 मिथाइल बच गए, तो 1 1 डाई मिथाइल हो गया, क्योंकि 1 पे ही लगा, 1 पहले कार्बन पे ही लगा हुआ है, दोनों मिथाइल, इधर ही मिथाइल, इधर मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, और दोनों का 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एथ क्या होता है, इथाइल, एथ होता है एथ, और इसमें इल जुड़ जाएगा क्योंकि ये फ्री वैलेंसी लगा हुआ है, तो मे 1 1 डाई मिथाइल हो गया, ठीक है। ये देखो यहां पे क्या था,
थ्री नंबर कार्बन पे, 1 2 3 थ्री नंबर कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए ऊपर नीचे, ठीक है, तो 3 3 डाई मिथाइल और 4 कार्बन का एल्क क्या होता है, ब्यूट, और ये इल जुड़ जाएगा क्योंकि ये फ्री वैलेंसी है, तो इल जुड़ गया, 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटिल हो गया। तो ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एल्किन और एल्काइन में अगर एक हाइड्रोजन ग्रुप निकाल देते हैं तो क्या बनता है और उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट में जरूर बताओ यार कैसी लगी आपको, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।